हेलो साथियों, एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज है हमारा 9 अक्टूबर 2020, और 9 अक्टूबर 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बने हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर एक देखो, स्वीडन नोबल कमेटी ने किस देश की कवित्री लुईज ग्लुक, जो कितने वर्ष की है, 97 की, साहित्य में नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है। किसने की है? अमेरिका ने। अमेरिका, स्वीडिश नोबेल कमेटी ने हाल ही में अमेरिका की कवित्री कौन है, लुईज गुल्क को इस वर्ष साहित्य का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की है। हमें पता है, हम कंटिन्यू 3 दिनों से चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार, भौतिकी में नोबेल पुरस्कार, रसायन में नोबेल पुरस्कारों के ऐलान हो चुके हैं, उसकी हम बात कर चुके हैं। आज है साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, लुईज गुल्क को। चलो अगला क्वेश्चन देखो, यदि वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टडी नंबर 1 क्लासेज को। क्वेश्चन नंबर 2, यूजीसी ने के द्वारा जारी देश के 24 गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की एक सूची के मुताबिक दिल्ली और किस राज्य में सबसे ज्यादा फर्जी यूनिवर्सिटी है, किस राज्य में, उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर 3। यानी यूनिवर्सिटी ग्रोथ का मिशन, यानी यूजीसी द्वारा जारी देश की 24 गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं की एक सूची के मुताबिक दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा फर्जी यूनिवर्सिटी पाई गई है, किसके तहत, यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रोथ का मिशन। यूजी क्या होता है? यूजीसी एक भारत का विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केंद्र सरकार द्वारा आयोजित किया गया है, जो क्या करता है, विश्वविद्यालय को मान्यता देता है। कौन है? यूजीसी। अब बात आती है यूजीसी की, तो स्थापना कब हुई थी, 1956 में, कब हुई थी, 1956 में, और संस्थापक, इसके संस्थापक कौन थे, अब्दुल कलाम आज़ाद थे संस्थापक, यूजीसी के संस्थापक, और अध्यक्ष कौन थे, प्रोफेसर धर्मेंद्र पाल सिंह। कौन? प्रोफेसर धर्मेंद्र पाल सिंह। अगला क्वेश्चन, भारत की किस आईटी कंपनी ने अमेरिका की एनालिस्ट कंपनी ब्लू एकन, कौन, एकर्न, आईसीआई को खरीदने के लिए $125 बिलियन की डील की है, किसके साथ की है, भारत के साथ, किस कंपनी को खरीदने के लिए, इंफोसिस। भारत की आईटी कंपनी इंफोसिस ने अमेरिका की एनालिस्ट कंपनी ब्लू एकॉर्न्स आईसीआई को खरीदने के लिए $125 मिलियन की डील दी है। अब बात आती है अमेरिका की, तो अमेरिका के बारे में हमने पढ़ लिया था, बार बार पढ़ लिया था। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स मैगजीन की इंडिया रिच लिस्ट 2020 में $88.7 बिलियन नेट वैल्यू के साथ कौन पहले स्थान पर है, कौन है, मुकेश अंबानी। यानी कि विश्व की फोर्ब्स की मैगजीन की इंडिया रिच लिस्ट 2020 में $88.7 बिलियन नेट वैल्यू के साथ मुकेश अंबानी पहले स्थान पर रहे। वो लगातार 13वें साल से देश के सबसे अमीर व्यक्ति रहे। कितने साल से? 13 साल से। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, जर्मन की राजधानी बर्लिन में सरकार ने कितने साल में पहली बार नाइट कर्फ्यू लगाया है, कितने साल में पहली बार नाइट कर्फ्यू लगाया, 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है
जर्मन की राजधानी बर्लिन में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। शनिवार को यह रात को पता चला कि 11 से सुबह 6 बजे तक किसी तरह की कारोबारी गतिविधियां नहीं होगी वहां पे। जर्मन के बारे में पढ़ा, जर्मन की राजधानी बर्लिन दो तीन बार पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठ कार्यकर्ता निदेशक एम राजेश्वर राव को किस बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठ कार्यकारी निदेशक राजेश राव को किस बैंक का केंद्रीय बैंक के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए। अब बात आती है हमारे किसकी, केंद्रीय बैंक कौन सा बैंक होता है? ये केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक या मौद्रिक प्राधिकरण का एक सफल हुआ है कि एक संस्था है कि राज्य की मुद्रा, पैसा की आपूर्ति और ब्याज दरें सेंट्रल बैंक की आमतौर पर निगरानी वाणिज्य बैंक प्रणाली द्वारा अपने अपने देश में की जाती है। यह होती है केंद्रीय बैंक। अगला क्वेश्चन, प्रसार भारती और किसने नई कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? किसने किए हस्ताक्षर? इफको ने। किसके किसने इफको इफको ने हस्ताक्षर किए हैं? भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड। इफको का पूरा नाम क्या है? भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड। और प्रसार भारती ने हाल ही में कृषि प्रौद्योगिकी और नवाचारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इनका क्या मतलब है कि डीडी किसान अब कृषि क्षेत्र में प्रचलित विभिन्न अभिनव और अलग अलग किस्मों और तकनीकी प्रश्नों का प्रयोग कर सकेंगे। इनका अर्थ ये है। अब बात आती है हमारे इफको की, तो इफको की स्थापना कब हुई थी? 3 नवंबर 1967 को। कहाँ पे हुई थी? नई दिल्ली। कहाँ पे? नई दिल्ली में। ये एक कृषि के उर्वरक से संबंधित संस्था है। अगला क्वेश्चन, आज है 9 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? ये बताओ कि विश्व भर में कौन सा दिवस 9 अक्टूबर को मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस। कौन सा? विश्व डाक दिवस। विश्व भर में कहाँ से शुरुआत? स्विट्जरलैंड के बर्न यूनिवर्सिटी के पोस्टल यूनिवर्सिटी संस्था की याद में। किसकी? स्वीडन के बर्न में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना की याद में विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, आयुर्वेद अनुसंधान के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्था ने किस विश्वविद्यालय के साथ ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? किसने? एमटी विश्वविद्यालय। आयुर्वेदिक अनुसंधान को प्रोत्साहित देने के उद्देश्य से और उनका विकास करने के लिए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था एमटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आ गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए किस देश में आयोजित इन्वेंट इंडिया सम्मेलन को संबोधित किया? किस देश में आयोजित हुआ था? कनाडा में। और कनाडा में हो रही कौन सा इंडियन सम्मेलन को संबोधित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा? यह हो गया आज के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स।
जिनको आप पढ़िए, ये जो वही है जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए,